टेक्नो फैंटम एक्स के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद लिटरली अल्ट्रा प्रो मैक्स प्राइस रखी गई थी उसके लॉन्च के बाद आज एक साल हो रहा है, ऑलमोस्ट 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन यहां पर अभी तक इस स्मार्टफोन के सक्सेसर का कोई नाम व निशान नहीं था। जी हां नहीं था, बट अभी है। जी हां बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूं कि फाइनली यहां पर टेक्नो फैंटम एक्स सीरीज़ में दो स्मार्टफोन आ रहे हैं, एक फैंटम एक्स 2 5G होगा और टेक्नो फैंटम एक्स 2 Pro 5G होने वाला है। दो वर्जन आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्पेक्स होंगे। अब यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर ECC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है, दोनों स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम एक्स 2B और टेक्नो फैंटम एक्स 2 Pro भी। ये रही ECC सर्टिफिकेशन लिस्ट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम एक्स प्रो है और ये 28 जून को यानी आज से तकरीबन 10 दिन पहले ये स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका है और ये स्मार्टफोन 5G सपोर्टेड है। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम एक्स 2 भी, जैसे कि ये भी आप देख सकते ECC सर्टिफिकेशन पर, ये भी एक 5G वर्जन ही है और ये लिस्ट हो चुका है और जो नंबर नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यानी दोनों स्मार्टफोन 5G है और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। अब 5G है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्मार्टफोन वो भी 5G ही होंगे, यानी 5G आपको प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है मेरी, देखो ये कन्फर्म नहीं है, जो टेक्नो फैंटम एक्स 2 होगा उसमें आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि डायमेंसिटी 810 होगा और जो टेक्नो फैंटम एक्स 2 प्रो होगा उसमें आपको मिल सकता है डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर या डायमेंसिटी 1000 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। जी हाँ इन तीनों में से ही देखने को मिलने वाले, इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आजकल के जो ब्रांड है वो क्या सोचते हैं। बाकी स्मार्टफोन जैसे कि हमको पता है कि टेक्नो में से दो वेरिएंट लॉन्च करता है, 8128 वाला वेरिएंट और 8256 वाला वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा। पिछली बार भी 8256 वाला वेरिएंट ही लॉन्च किया गया था जो कि नेक्स्ट लेवल की प्राइसिंग रखी गई थी 70,000 रुपये। इस बार तो आप इतना ही बल्कि उससे ज़्यादा प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर टेक्नो ने प्राइस थोड़ी कंट्रोल कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो 70,000 रुपये इस बार तो कहीं भी नहीं गए बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। रही बात डिस्प्ले की, तो नो डाउट डिस्प्ले जो वो काफ़ी अमेजिंग हो, जैसे कि हम जानते हैं कि फैंटम एक्स में कितना कमाल डिस्प्ले था या फिर टेक्नो के माने 18 प्रीमियर जो था। इस स्मार्टफोन में बताया जा रहा है कि 6.8 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा और ये स्मार्टफोन एक कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा। जी हाँ फ्लैट एजेस वाला डिस्प्ले नहीं होगा, कर्व एजेस वाला डिस्प्ले होगा, यानी फ्लैगशिप लेवल का आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ये स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज़ के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा और एक 5 वोल्ट कैमरा अपने साथ ले जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जो प्रो वर्जन होगा उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और कर्व डिस्प्ले होगा। जो फैंटम एक्स 2 5G होगा वहाँ पर कर्व डिस्प्ले के बारे में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, तो आप तैयार रहिएगा, जो डिस्प्ले होगा वो काफ़ी अमेजिंग है। रही बात स्मार्टफोन के कैमराज की, तो कैमराज के बारे में मैं कुछ भी फिलहाल नहीं कहूँगा, लेकिन ये आप अंदाज़ा लगाए कि जो फैंटम एक्स था वहाँ पर तीनों कैमराज काफ़ी काम के लगाए गए थे। एक मेन कैमरा 50 MP का था, एक टेलीफोटो लेंस दिया गया था और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा था। तो यहाँ पर जो प्रो वर्जन होगा उसमें तो डेफिनेटली यही तीन कैमराज ही होंगे काम वाले, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा और एक टेलीफोटो लेंस या पेरिस्कोपिक लेंस और एक मेन कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट पर हमें 32 MP या फिर 48 MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। और जो टेक्नो फैंटम एक्स 5G है और उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मेन कैमरा होगा, एक अल्ट्रा वाइड होगा और एक कोई मैक्रो या डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, टेलीफोटो लेंस टेक्नो फैंटम एक्स 2 5G में आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। रही बात दोनों स्मार्ट में बैटरी की, तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी एक्सपेक्टेड है। जो टेक्नो फैंटम एक्स 2 Pro 5G होगा वहाँ पर आपको 44 वाट की फास्ट चार्ज मिलेगी और जो टेक्नो फैंटम एक्स 2 5G होगा वहाँ पर मे भी 33 वाट मिल सकती है या फिर वहाँ पर भी 44 वाट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाय द वे सारी चीज़ें रूमर बेस्ड है, कोई भी चीज़ कन्फर्म या ऑफिशियल नहीं है। स्मार्टफोन की लॉन्च डेट या प्राइस के बारे में फिलहाल कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि अभी ये स्मार्टफोन लिस्ट हो चुके हैं। जैसे ये स्मार्टफोन रिवील हो जाएंगे, स्पेक्स आएंगे, इंशाल्लाह हम इसके बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो क्या पसंद आई है, तो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।